वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक टेस्ट सेट लेके आया हूँ और इसके अंदर देखिए मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं ऑलरेडी, ये एक मॉडल सेट से मैंने ले लिए। खैर उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज आपकी जानकारी इसमें चेक होने वाली है और ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इसमें यदि आपके 8 या फिर 9 नंबर आते हैं, समझ लीजिए आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो अच्छा है, ठीक है, उस पर आपको ज़्यादा अब वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके 5 से कम आते हैं, समझ लीजिए आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक एकदम बेकार है, उस पर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से मेहनत करना होगा, ठीक है। अब चलते देखिए, इसके कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको टाइम भी दूंगा कि इसका आप जवाब दें। अब देखिए इसमें पहला है कि अब देखिए नाइदर ही नॉर आई। अब सोचिए इसमें चार ऑप्शन है, इनमें से क्या आएगा, सोच के जल्दी से अपना आंसर जवाब टिक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी आपके आंसर है वो आप अपने पास रख रखिए, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा, उससे मैच कर लेना आप। देखिए कभी भी एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्त कि जब भी कभी नाइदर नॉर आए ना, एक रूल होता है, नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीन आपको याद रखने होंगे। इनके बाद क्या होता है कि जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब आती है। बात क्लियर हो गई ना? तो इसमें अब आई आ रहा है, तो आई के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, एम, ठीक है ना। रूल क्लियर समझ में आ गया होगा, नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो में जो सेकंड वाला लास्ट वाला जो होता है ना, जो खाली जगह से पहले होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है। ये एक रूल क्लियर हो गया होगा। अब जिन बच्चों का बिल्कुल सही है वो हैप्पी खुशी मनाओ। अब देखिए सेकंड वाला है कि ईच ऑफ द बॉयज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो इसके पीछे भी तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, याद रखना, कभी भी अगर आगे आ जाए ईच ऑफ, या फिर कभी भी आ जाए आइदर ऑफ, है ना, या फिर कभी आ जाए नाइदर ऑफ, बात यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कभी भी अगर इस तरह से आता है तो इनके बाद तो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, बस ये आपको याद रखना है। अब अपना जवाब दीजिए, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, क्या इसका जवाब हो सकता है। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया है। अब देखिए यहां पर आया ईच ऑफ, अब इसके बाद प्लूरल आ रहा है, खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ईच ऑफ के साथ या फिर आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। तो देखिए सिंगुलर कौन कौन सी है इसमें, सिर्फ एक ही है, ये देखो हैज रेड द बुक, ठीक है, ये तो देखो सब प्लूरल है, ये देखो हैव, आर, हैव, ये सब प्लूरल है, सिर्फ सी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा देखो एक इसमें मज़ेदार वाली आपको बात बताता हूँ, जैसे कि ये देखो ये क्या लिख रहा है, ये सब पढ़ते हैं इसे, रीड रीड पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है पक्का भरोसा है यही पढ़ रहे होंगे ना। लेकिन देखो दोस्त मैं आपको बताऊँ कि ये रीड जो होती है ना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम रीड पढ़ते हैं, लेकिन अब जिनको नहीं पता उनके लिए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होने वाली है, लेकिन जब ये सेकेंड फॉर्म हो जाए या फिर कभी थर्ड फॉर्म हो जाए तो इसको रीड नहीं, इसको हम रेड पढ़ते हैं, मानो कि साउंड ऐसे आएगी आर ई डी, बात समझ में आ गया। सेकंड और थर्ड फॉर्म की जो साउंड होती है वो रेड होती है, ये आपके जीडी में बहुत काम आने वाला है। खैर चिंता मत करना, मैं तब तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मैनी ए गर्ल, फटाफट से इसका आंसर सोचिए, क्या जवाब हो सकता है इसका, जल्दी से, टाइम खत्म। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो मैनी और ये क्या लिख रहा है, ए गर्ल लिख रहा है ना। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है, ये टॉप 10 मतलब कह सकते हैं यार, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत नॉर्मल सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो मैनी के बाद अगर सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, मैनी के बाद यदि ये प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, बस बस आ गया। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर है ना, तो वर्ब सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर कौन कौन सी हो सकती है इसमें, एक तो हैज, बस यही है, और क्या, सिंगुलर एक ही है, यानी हैज सीन दिस मूवी, मैनी ए गर्ल हैज सीन दिस मूवी, ठीक है। ये तो देखो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, ये भी प्लूरल है, तो ये सब नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जवाब सोचिए, क्या जवाब होगा। लेकिन देखो आप अपना जवाब तो सोच के रखते, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी याद रखा करो कि आप अपना जवाब क्यों दे रहे हैं आखिर, बात समझ में आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट भी अपना याद रख लेना, मैच कर लेना कि वही बोल रहे हैं कैसा। चलो जल्दी करो अपना जवाब, सोचो क्या हो सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखो बच्चों एक बात याद रखना कि देयर के साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा पीछे वाले के ऊपर डिपेंड करती है, सारी वर्ब यानी आगे वाले के ऊपर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन अभी यहाँ पर देयर एक ऐसा चीज़ है कि इसमें पीछे वाले के ऊपर डिपेंड करेगी वर्ब, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब एंड से लगातार दो नाउन जुड़ रहे हों और यदि दो बार आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, दो बार पजेसिव का यूज़ हो रहा है, तो वो प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल। क्योंकि देखो एक नाउन और एक नाउन जुड़ करके कितना हो गया, दो नाउन, दो नाउन, और सबसे बड़ी बात है कि इनमें लगातार कितने आर्टिकल आ रहे हैं, दो आर्टिकल आ रहे हैं, तो दो का मतलब हो गया प्लूरल।
बात समझ में आ रहा है? यदि एक आर्टिकल आता है यहाँ पर ए, तो होता है सिंगुलर, लेकिन यदि दोनों नाउन के आगे लगातार दो ए आ रही हैं, दो माई आ रहे हैं, दो दा आ रहे हैं, तो समझ लेना दो मतलब प्लूरल होता है, तो प्लूरल लगेगा। प्लूरल कौन सा है यहाँ पर? वर, यानी देयर वर ए काओ एंड ए हॉर्स इन द फील्ड। चलो इसके बाद करते हैं हम बात ओनर वाली, द ओनर ऑफ दीज बुक्स। चलो सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है और ईमानदारी के साथ अपने जवाब को वेरीफाई करना, ठीक है? और नोट डाउन करते जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है। थोड़ा जल्दी करो, टाइम इतना नहीं है हमारे पास, अभी एग्ज़ाम भी देना है। सोचो जल्दी से क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखो आप इसको पढ़ना, द ओनर ऑफ दीज बुक्स ये लिखा है ना, मतलब क्या हुआ, यानी इन ये जितनी भी किताब है ना उन सब का ओनर है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ओनर की हो रही है, और ओनर एक सिंगुलर है, तो वर्ब आने वाली कौन सी हो जाएगी? सिंगुलर। अब सोचो सिंगुलर कौन सा है इसमें? चलो इसमें दो हैं, एक तो हैज गॉन है और एक है इज गॉन। अब सोचो इसमें कौन सा सही बैठ रहा है? द ओनर ऑफ दीज बुक्स हैज गॉन, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है? मतलब ये हुआ इन किताबों का जो ओनर है वो जा चुका है, इज गॉन नहीं आएगा ना, वो हैज गॉन आएगा, क्योंकि सेंस भी आपको देखना होता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, सोचो इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से क्विक आंसर, जल्दी से सोचो क्या जवाब होगा इसका। अच्छा देखिए दोस्तों, जो आप मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बोलते हैं कि सर आप हमें लाइव बता दिया कर, देखो दोस्त एक्चुअल में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ लाइव, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी इशू रहता है बहुत ज़्यादा, तो आपको भी बहुत ब्रेकनेस फील हो गया, तो दैट्स वाई जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट दैट आई एम हियर। अब देखिए इसमें जवाब मैं आपको बता देता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यानी 10 बुक्स ऑफ दीज लाइब्रेरी, यानी इस लाइब्रेरी की 10 बुक्स के बारे में बात हो रही है, ना कि एक। जब 10 मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो प्लूरल हो जाती है, तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं प्लूरल कौन सा है, देखो ये तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, मतलब क्या हो जाएगा, आर मिसिंग आ जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट है और इसका जवाब फटाफट से आपको 5 सेकंड में देना होगा, आइदर ही और यू, सोचिए इसका जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट है मित्र, मैंने आपको पहले बता दिया है, पहले वाले आई थिंक एक या दूसरे नंबर पर क्वेश्चन था वो, कि आइदर ही और यू, यानी कभी भी आइदर और आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो, इसके साथ जो ये सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है? अब यू के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, यू प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पर देखो सिंगुलर वाले काट दो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका जवाब फटाफट से सोचिए क्या होगा, इसके कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और क्या क्या है, सोचिए क्या हो सकता है, टाइम खत्म। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें याद रखना कि जब भी कभी विद आ जाए ना, विद आए या फिर अलोंग विद आए, है ना, या फिर नॉट आ जाए एज ए सब्जेक्ट के रूप में नॉट आ जाए, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो पहला वाला इनके आगे यानी विद के आगे जो भी होता है, यानी विद के आगे अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर विद के आगे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, मतलब क्या होता है कि विद के आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है। तो ये फादर पापा जी हमारे अकेले हैं ना, मतलब एक हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। देखो प्लूरल को हटा दो पहले, तो है प्लूरल है, स्लीप प्लूरल है, आर स्लीपिंग प्लूरल है, बचा क्या, वॉज। चलो इसका जवाब सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है, थोड़ा फास्ट करना प्लीज़। चलो आपका टाइम खत्म। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अब बहुत अच्छा है, इसमें तो ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब भी कभी एंड आए ना, एंड से पहले लगातार दो जुड़ना, एक तो वह और एक में, तो मतलब हम दो पर्सन हो गए। अब दो पर्सन हो गए तो जाहिर सी बात है कि मतलब एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है, तो प्लूरल आएगा। अब सोचो इसमें क्या हो सकता है, प्लूरल वाली वर्ब कौन सी है, डू नॉट, ये तो सिंगुलर है, डज हैज भी सिंगुलर है, और कैन नॉट इससे हमें संबंध, क्योंकि वो मीनिंग नहीं सेट कर रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो भी लास्ट है, और इसका जवाब सोचिए फटाफट से क्या हो सकता है, प्लीज़ थोड़ा फास्ट कर लीजिए, आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, और इसका जवाब हो जाएगा कि न्यूज़ हमेशा सिंगुलर के अंदर काउंट की जाती है, इन्फॉर्मेशन फर्नीचर ये सारी चीज़ें सिंगुलर के अंदर होती हैं, और जब सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो देखो मैंने प्लूरल को हटा दिया यहाँ से, बचा क्या, सिंगुलर, तो द न्यूज़। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं बाई हिम, सेंस थोड़ा देखो, द न्यूज़ हैज़ ब्रॉट बाई हिम, द न्यूज़ वॉज ब्रॉट बाई हिम, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और इसका जवाब हो जाएगा वॉज ब्रॉट बाई हिम, ठीक है? चलिए और आई होप दोस्तों ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये सारा मेहनत और जितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए
उस सबके लिए एक लाइक ज़रूर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, जिसमें क्या मैं आपके साथ टाइम श्योर आपसे थोड़ा सा बातें करूँगा और सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर, जितने भी ग्रामर के अंदर एयरफोर्स में या फिर SSR नेवी के अंदर पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं उन सब के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। पर थोड़ा सा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आज और कल के लिए मैं छुट्टी ले लूँगा, ताकि आप आगे आने वाला संडे यानी कल संडे या गुड डे और आपके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियोज़ आ जाएंगी बैक टू बैक, तो इससे आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपनी स्टडी को प्लीज़ कैरी ऑन रखते जाइए।